बच्चों, हाफ लाइफ के बाद हम पढ़ेंगे रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट हैविंग द डिफरेंट मास, मीन्स उनके डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आल्सो नोन एज रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो न्यूक्लियाइड और रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड। क्या क्या बोल सकते हैं हम रेडियो आइसोटोप्स को? और रेडियो आइसोटोप्स बोल सकते हैं रेडियो न्यूक्लियाइड एंड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड। इज एनी ऑफ सेवरल स्पीसीज ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट विथ डिफरेंट मासेज हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एंड डिसिपिएट एक्सेस एनर्जी बाई स्पॉन्टेनियसली इमिटिंग रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रे। मतलब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो अपने न्यूक्लियस से रेडिएशन रेज इमिट करें, कंटिन्यूस इमिट करें, कौन से रेज? अल्फा बीटा या गामा रेज, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो न्यूक्लियाइड बोल रहे हैं। ये किसके अंडर आ रहे हैं? रेडियो न्यूक्लियाइड। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं हमने बताया, सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा, उसको हम बोलेंगे रेडियो आइसोटोप्स। सम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो आइसोटोप्स देखते हैं। रेडियो आइसोटोप्स में खाली एक ही वेरिएशन होता है, काइनेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो रेट होता है केमिकल रिएक्शन का, उनके काइनेटिक्स में ही बस डिफरेंस होता है। रेडियो आइसोटोप्स कितने टाइप के होते हैं? रेडियो आइसोटोप दो टाइप्स के होते हैं, स्टेबल आइसोटोप्स एंड अनस्टेबल आइसोटोप्स। अब बात करेंगे स्टेबल आइसोटोप्स क्या होते हैं। स्टेबल आइसोटोप्स मेंटेन देयर एलिमेंटल इंटीग्रिटी, क्या करते हैं? अपने एलिमेंटल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं एंड डो नॉट डिकम्पोज विद अदर आइसोटोपिक आर एलिमेंटल फॉर्म। ये बात हो गई स्टेबल आइसोटोप्स की। अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करेंगे। डिकम्पोज आर डिके बाई इम्सन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल इंटू अदर आइसोटोप्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट, ये हुए अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात। अब प्रोडक्शन की बात करते हैं कि प्रोडक्शन कैसे हो सकता है रेडियो आइसोटोप्स का। द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूजुअली इन्वॉल्व द बम्बार्डमेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर विथ सब एटॉमिक पार्टिकल डेट इज न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस अनस्टेबल न्यूक्लियर ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट। ये है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के प्रोडक्शन की बात। अब इसके बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ उससे पहले हम रेडियो आइसोटोप्स के कुछ एग्जांपल दे रहे हैं जो यूज होते हैं जनरली। आप देख सकते हैं पहला है यूरेनियम, सेकंड है कार्बन, सीजियम, हाइड्रोजन, इरिडियम, मॉलिब्डेनम और टेक्नीशियम। ये हमारे कुछ रेडियो आइसोटोप्स हैं, हाफ लाइफ से इनका अप्लीकेशन दिया हुआ है जो जनरली यूज होते हैं। बच्चों, अब बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे मेजर करते हैं इसको पढ़ेंगे। देखते हैं रेडियो एक्टिविटी को कैसे हम मेजर कर सकते हैं। फॉर मेजरिंग रेडियो एक्टिविटी थ्री टाइप्स ऑफ डिवाइस आर अवेलेबल। कितने? तीन टाइप के डिवाइस अवेलेबल हैं जिससे हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। पहला है गैस फिल्ड ट्यूब काउंटर, इसमें एग्जांपल है गीजर मुलर काउंटर। दूसरा है सेंटिलेशन काउंटर और तीसरा सेमी कंडक्टर डिटेक्टर, जिससे हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं। अब हम अपने पहले वाले डिटेक्टर की बात करेंगे, गीजर मूलर काउंटर की, जिसको बोलते हैं जीएम काउंटर। द गीजर काउंटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग आयनाइजेशन रेडिएशन यूज वाइडली इन सच एप्लीकेशन एज रेडिएशन डोजीमेट्री, रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड न्यूक्लियर इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, हम आयनाइजेशन रेडिएशन को मेजर करते हैं गीजर मूलर काउंटर में। अब उस आयनाइजेशन रेडिएशन को कैसे मेजर करते हैं वो देखते हैं। इट डिटेक्ट्स आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज यूजिंग द आयनाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस इन गीजर मूलर ट्यूब। क्या करते हैं, जो अल्फा बीटा एंड गामा रेज से आयनाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको मेजर कर लेते हैं। किसमें? हम गीजर मूलर ट्यूब में। उसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। इन वाइड एंड प्रोमिनेंट यूज एज अ हैंड हेल्ड रेडिएशन सर्वे में से हमें क्या पता चला, सर्वे इंस्ट्रूमेंट, इट इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट नोन रेडिएशन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। क्या है,
वर्ल्ड्स बेस्ट रेडिएशन डिटेक्शन इंस्ट्रूमेंट है कौन सा? गीजर मुलर काउंटर। बेसिक कंपोनेंट आप जीएम ट्यूब, मतलब इसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं, जैसे हम अलग अलग अभी हमने अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। सॉलिड सोर्स को अगर डिटेक्ट, उसकी रेडियोएक्टिविटी डिटेक्ट करनी है तो दूसरे काउंटर से, लिक्विड सोर्स की एक्टिविटी डिटेक्ट करनी है रेडियोएक्टिविटी तो उसको दूसरे काउंटर से डिटेक्ट करेंगे, गैसियस स्टेट की रेडियोएक्टिविटी डिटेक्ट करनी है तो दूसरे जीएम काउंटर से हम डिटेक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, कैसे बना होता है जीएम ट्यूब। अ जीएम काउंटर पोसेज या हैविंग अ सिलेंड्रिकल कैथोड व्हिच इज यूजुअली 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर अलोंग द सेंटर ऑफ व्हिच इज वायर एनोड, मतलब सेंटर में एक वायर होता है जो एक्ट एज अ एनोड। द स्पेस इज फिल्ड अ स्पेशल गैस मिक्सचर व्हिच गेट रेडली आयनाइज टुगेदर विथ अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ क्वेंचिंग वेपर। जो स्पेशल गैस फील्ड होता है या तो नियान होगा आर्गन होगा, इन्हीं गैस से फील्ड होता है। अब फॉर सॉलिड रेडियो एक्टिव सोर्स के लिए हम कौन सा जीएम काउंटर यूज करेंगे? इन विंडो टाइप जीएम काउंटर यूज करते हैं फॉर सॉलिड सोर्स के लिए। फॉर सॉलिड रेडियो एक्टिव सोर्स द इन विंडो टाइप जीएम काउंटर हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर, मतलब सबसे पॉपुलर काउंटर है कौन सा? इंड विंडो टाइप जीएम काउंटर सॉलिड सोर्स के लिए यूज करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये कैसे क्या कैसे बना होता है? द विंडो हैज बीन मेड ऑफ एन एल्यूमिनियम एलॉय माइका आर थिन ग्लास बबल। एल्यूमिनियम एलॉय का माइका या फिर थिन ग्लास बबल से बने होते हैं। ये बगल में फिगर दिया हुआ है इंड विंडो टाइप जीएम काउंटर का। अब गीजर मुलर काउंटर दूसरे टाइप का है। इन ऑर्डर टू काउंट द मीडियम एंड हाई बीटा पार्टिकल, हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल एंड फॉर गामा काउंटिंग थिन ग्लास वॉल्ड काउंटर में भी यूज, क्या करते हैं? थिन ग्लास वॉल्ड काउंटर यूज करते हैं किसके लिए? हाई एनर्जी बीटा पार्टिकल एंड गामा काउंटिंग के लिए। दे आर नॉर्मली 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 1 सेंटीमीटर डायमीटर में एंड हैविंग अ ग्लास वॉल ऑफ 20 to 40 mg सेंटीमीटर स्क्वायर थिकनेस का, इसका सेंटीमीटर थिकनेस वाल होता है ग्लास का जो ये होता है इसका। द ट्यूब इज कोटेड ऑन द इनसाइड विथ ग्रेफाइट फॉर द कैथोड, सॉरी टू फॉर्म द कैथोड। क्या होता है जो इनसाइड होता है ग्लास का इनसाइड, उसको हम कोट कर देते हैं किससे? ग्रेफाइट से कोटेड होता है, जो कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज अ कैथोड की तरह वो एक्ट करने लगता है ग्रेफाइट से कोट कर देने की वजह से। ये किसके लिए यूज होता है? मीडियम एंड हाई एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड फॉर गामा काउंटिंग के लिए। अब बात करेंगे फॉर रेडियो एक्टिव लिक्विड सोर्स के लिए, कि लिक्विड सोर्स के लिए कौन सा यूज। इट इज हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 10 cm³ इन एन्यूलर स्पेस। इन सच अ काउंटर 10 cm³ ऑफ 3% सोल्यूशन ऑफ यूरेनियम साल्ट गिव नियरली 10,000 काउंट्स पर मिनट। क्या देते हैं? 3% सोल्यूशन ऑफ यूरेनियम साल्ट 10,000 काउंट पर मिनट देता है। ये किसके लिए यूज करते हैं हम? फॉर लिक्विड सोर्स के लिए, जो लिक्विड सोर्स के होते हैं उसके उसको उसके रेडियो एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए हम ये काउंटर यूज करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट काउंटर थे जीएम काउंटर। अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के, कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन कैसे है उसकी बात करेंगे। व्हेन अ सिंगल गामा और बीटा रे इंटरिंग द ट्यूब, जब सिंगल रे बीटा या गामा रे का इंटर करता है ट्यूब में, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन इज प्रोड्यूस, स्मॉल अमाउंट में आयनाइजेशन प्रोड्यूस होता है। द सेंटर इलेक्ट्रोड व्हिच इज एट हाई पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब हाई पॉजिटिव सेंटर इलेक्ट्रोड जो होता है हाई पॉजिटिव पोटेंशियल लगता है, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट एंड गिव्स देम एनर्जी टू प्रोड्यूस फर्दर आयनाइजेशन, उनको एनर्जी देता है जिससे वो क्या फर्दर आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। अनटिल होल वॉल्यूम कंटेन आयन पेयर, जब तक सारा रेडिएशन क्या आयन पेयर में चेंज नहीं हो जाता तब तक। तीसरा क्या, द इलेक्ट्रॉन आर रैपिडली कलेक्टेड, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रैपिडली कलेक्ट किए जाते हैं। फोर्थ वन, द वोल्टेज ऑन सेंटर इलेक्ट्रोड ड्रॉप एंड स्लो पॉजिटिव आयन गो टू द आउटर वॉल, ये चौथा पॉइंट। पाँचवें में क्या, आफ्टर 400 माइक्रोसेकेंड, मतलब 400 माइक्रोसेकेंड के बाद डेड टाइम द ट्यूब इज रेडी टू रिपीट द प्रोसेस, क्या करता है ट्यूब? इसी प्रोसेस को, ऊपर वाले प्रोसेस को क्या फिर से रिपीट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेड टाइम। ये प्रिंसिपल, यही प्रिंसिपल मेन प्रिंसिपल है।
अब इसके बाद जो टर्म्स हैं इनको हम क्लियर करते हैं कि डेड टाइम क्या है, क्वेंचिंग क्या है। अब क्वेंचिंग की बात करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस टू प्रिवेंट द कंटिन्यूस डिस्चार्ज। क्या है? प्रोसेस है प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए कंटिन्यूस डिस्चार्ज को। सेल्फ क्वेंचिंग इज डन बाय वेपर ऑफ एथाइल एल्कोहल। सेल्फ क्वेंचिंग किससे डन होता है? वेपर ऑफ एथाइल एल्कोहल, बिकॉज इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन दी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आर्गन एटम। आर्गन एटम जो गैस ट्यूब में फिल्ड होता है, स्पेशल गैस, उसके आयनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी होता है किसका? एथाइल एल्कोहल का। ये किस लिए यूज होते हैं? क्वेंचिंग के लिए यूज होते हैं। काउंटिंग रेट क्या है? काउंटिंग रेट की बात करते हैं, द जीएम काउंटर कैन काउंट अबाउट 5000 पार्टिकल पर सेकेंड। 5000 पार्टिकल पर सेकेंड काउंट कर सकते हैं। द काउंटिंग रेट डिपेंड अपॉन द डेथ एंड रिकवरी टाइम ऑफ जीएम काउंटर। काउंटिंग रेट अब किस पे डिपेंड करेगा? डेथ रेट एंड रिकवरी टाइम पे। डेथ टाइम क्या है? इन द काउंटर द स्लोली मूविंग पॉजिटिव ऑर्गन आयन टेक्स 200 सेकेंड टू रीच द कैथोड। कैथोड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेते हैं? 200 सेकेंड लगता है पॉजिटिवली चार्ज आर्गन आयंस को कैथोड तक पहुंचने के लिए। इफ़ द सेकेंड रेडिएशन इंटर द ट्यूब ड्यूरिंग दिस टाइम, अगर उसी टाइम जो ये पॉजिटिव चार्ज आर्गन आयन से जो कैथोड तक पहुंचने के लिए 200 सेकेंड लेते हैं, उसी टाइम अगर दूसरा कोई रेडिएशन ट्यूब में इंटर करता है, इट विल नॉट बी रजिस्टर्ड। ये क्या होता है? रजिस्टर्ड नहीं होता है। दिस टाइम इज कॉल्ड डेथ टाइम। इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? डेथ टाइम ऑफ द काउंटर। काउंटर का डेथ टाइम बोलते हैं इसको हम। रिकवरी टाइम क्या होता है? आफ्टर डेथ टाइम द ट्यूब टेक्स अनदर 200 सेकेंड। मतलब डेथ टाइम के बाद रिकवरी टाइम, मतलब दूसरा 200 सेकेंड ट्यूब लेता है। किस लिए? रीगेन द वर्जिनल वर्किंग, अपने वर्जिनल वर्किंग को करने के लिए 200 सेकेंड फिर से लेता है। इसी कंडीशन को हम क्या, वर्किंग कंडीशन, दिस टाइम इज कॉल्ड रिकवरी टाइम फॉर द काउंटर। इसी फेज को हम, इसी टाइम को क्या बोलते हैं? रिकवरी टाइम ऑफ काउंटर। इसको क्या बोलते हैं? रिकवरी टाइम ऑफ काउंटर। पैरालिसिस टाइम क्या है? अब इसकी बात करते हैं। द सम ऑफ डेथ एंड रिकवरी टाइम, सम को बोलते हैं, रिकवरी एंड डेथ के सम को क्या बोलते हैं हम? पैरालिसिस टाइम, नोन एज पैरालिसिस टाइम, व्हिच इज 400 सेकेंड। जिसको जो क्या होता है, कितना? 400 सेकेंड होता है। द ट्यूब कैन रिस्पॉन्ड द सेकेंड रेडिएशन आफ्टर 400 सेकेंड। तो वो जो दूसरा रेडिएशन अभी हम बात कर रहे थे उधर, तो दूसरे जो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था, वो कब रजिस्टर्ड होगा? वो दूसरा रेडिएशन आफ्टर 400 सेकेंड के बाद रजिस्टर्ड होगा दूसरा रेडिएशन, अगर कोई चला जा रहा है ट्यूब में। तो ये हो गया पैरालिसिस टाइम। ये क्या थी हमारी जीएम काउंटर की पूरी वर्किंग कंस्ट्रक्शन। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीएम काउंटर, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड सोर्स के लिए अलग जीएम काउंटर, सॉलिड सोर्स के लिए अलग जीएम काउंटर हमने देखा। ये हो गई जीएम काउंटर की बात। इसके बाद दो काउंटर और होते हैं, सेंटिलेशन काउंटर एंड सेमीकंडक्टर डिटेक्टर होते हैं। ये भी एक तरीके के डिटेक्टर्स हैं या रेडियो एक्टिविटी मेजर करने के लिए काउंटर्स हैं, जिनको हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब देखेंगे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। सबसे पहले जो यूज होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, किसके ट्रीटमेंट के लिए? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर। ट्यूमर और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से कंपाउंड्स या एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं? एमरीसीएम 241 यूज एड एंटीनियोप्लास्टिक। एंटीनियोप्लास्टिक मीन्स आल्सो कैंसर ट्रीटमेंट, फॉर द यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट। कैलिफोर्नियम 252 यूज एड एंटीनियोप्लास्टिक। कोबाल्ट 60 यूज एड एंटीनियोप्लास्टिक। गोल्ड 94 यूज एड एंटीनियोप्लास्टिक। होलमियम 66 बींग डेवलप फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लीवर ट्यूमर। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ लीवर ट्यूमर के लिए यूज होता है। आयोडीन 125 यूज इन कैंसर थेरेपी के लिए ये भी यूज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज विथ आयोडीन 131। आयोडीन 131 से हम थायराइड डिजीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। आयोडीन 131 इज थेरापिटिकली यूज फॉर ट्रीट, किसके ट्रीटमेंट के लिए? थायराइड कैंसर के लिए, हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए, इंक्लूडिंग हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्लूडिंग ग्रेव्स डिजीज, टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर एंड टॉक्सिक ऑटोनोमसली फंक्शनिंग थायराइड नोड्यूल्स एंड नॉन टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर
गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज होता है, आयोडीन 131। इसके बाद दूसरा क्या है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ बोन मेटास्टेसिस। किसके लिए? पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ बोन मेटास्टेसिस। वेरियस रेडियो आइसोटोप्स एंड फार्मास्यूटिकल आर यूज टू डिलीवर पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ बोन मेटास्टेसिस इंक्लूडिंग समेरियम 153, SM 153 बोलेंगे, स्ट्रोंटियम 89, SR 89, क्लोराइड एंड फास्फोरस 32, P32 बोलेंगे इसको, सोडियम फास्फेट। द टू मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट अकरिंग फ्रॉम रेडियो फार्मास्यूटिकल थेरेपी फॉर मेटास्टेटिक बोन डिजीज आर इनिशियल इंक्रीज्ड बोन पेन। क्या होता है, शुरुआत में पेन, बोन पेन बढ़ जाता है, फ्लेयर एंड डिक्रीज इन WBC एंड प्लेटलेट काउंट। क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, इनिशियल इंक्रीज बोन पेन में एंड डिक्रीज इन इनिशियल। क्या करता है, शुरुआत में बोन पेन इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज इन WBC एंड प्लेटलेट काउंट क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। ये क्या है, पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ बोन मेटास्टेसिस में। उसके बाद किस में यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस, RBM 169 यूज फॉर रिलीविंग आर्थराइटिस पेन इन साइनोवियल जॉइंट्स के पेन के लिए यूज होते हैं। डायग्नोस्टिक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में क्या, अमोनिया N30 इंजेक्शन यूज फॉर डायग्नोसिस कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए अमोनिया N30 यूज करते हैं। क्रोमियम 51 यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ परसीनियस एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए क्रोमियम 51 यूज करते हैं। होलमियम 166 यूज फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ लीवर ट्यूमर। किसके लिए, लीवर ट्यूमर के लिए डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। आयोडीन 125 यूज डायग्नोस्टिकली टू इवैल्यूएट द फिल्ट्रेशन रेट ऑफ किडनी, फिल्ट्रेशन रेट ऑफ किडनी को चेक करने के लिए क्या, आयोडीन 125 यूज करते हैं। ये हो गई बात अप्लीकेशंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की। अब उसके बाद हम बात करेंगे स्टोरेज ऑफ रेडियो सब्सटेंस की, स्टोरेज कैसे करते हैं रेडियो सब्सटेंस की। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर। किसमें, वेल क्लोज मतलब वेल क्लोज क्लोज कंटेनर में रखेंगे। एंड स्टोर्ड इन अ एरिया असाइन फॉर द पर्पज, एक पर्टिकुलर एरिया में ही रखेंगे जो उसके लिए असाइन हो। ये नहीं कि कहीं भी रख दे रहे हैं यहाँ वहाँ, ऐसा नहीं होगा, जो असाइन एरिया होगा पर्टिकुलरली उसी के लिए उसी जगह रखेंगे। द स्टोरेज कंडीशन शुड बी सच दैट मैक्सिमम रेडिएशन डोज रेट टू विच पर्सन मे बी एक्सपोज रेड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। क्या हो, स्टोरेज कंडीशन ऐसा होना चाहिए डैट सच दैट मैक्सिमम रेडिएशन डोज रेट टू विच पर्सन मे बी एक्सपोज, जो आदमी उससे एक्सपोज हो रहा है, जैसे हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, मे बी मान लेते हैं, अगर हम उससे एक्सपोज हो रहे हैं, रेड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, मतलब इतना उसका रेडिएशन हो जहाँ वो रखा है, अगर कोई एक्सपोज हो रहा है तो जो उसका रेडिएशन है वो एक्सेप्टेबल लेवल में हो, ये ना हो कि एक्सेप्टेबल लेवल को क्या एक्सीड कर जाए, जो उसका लिमिट है रेडिएशन का उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल लेवल में होना चाहिए, जो जैसे जो आदमी रखने जाएगा उसका हैंडलिंग करेगा तो उसको भी तो वो रेडिएशन पेनेट्रेट करेगी, उसकी बॉडी स्किन पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना, तो वो जो लेवल होना चाहिए एक एक्सेप्टेबल लेवल में होना चाहिए। ये बात हो गई पहली। दूसरा पॉइंट है, केयर शुड बी टेकन टू कंप्लाई विथ नेशनल रेगुलेशन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट आयनाइजेशन रेडिएशन। क्या है, जो नेशनल रेगुलेशन है उसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन डेट आर इंटेंडेड फॉर पेरेंट्रल का मतलब जो बाई द इंजेक्शन जिस चीज़ को हम देंगे, पेरेंट्रल का मतलब पहले भी हमने बताया कि पेरेंट्रल का मतलब जो वाया इंजेक्शन हम देते हैं उसको बोलते हैं पेरेंट्रल फार्मुलेशन। यूज शुड बी केप्ट इन अ ग्लास वायल, किस में रखेंगे, ग्लास वायल में, वायल एम्प्यूल और सिरिंज। अब वायल क्या होते हैं, एम्प्यूल क्या होते हैं, सिरिंज तो आप लोग जानते हैं, वायल एम्प्यूल क्या होते हैं। वायल मींस एक जो कंटेनर होता है, एक छोटा कंटेनर होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रबड़ कैप लगा होता है छोटा सा, जिसमें लिक्विड फार्मुलेशंस आती हैं उसको वायल बोलते हैं। एम्प्यूल्स क्या होता है, सिंगल डोजेज फॉर्म के लिए यूज किए जाने वाले उसको बोलते हैं हम क्या, जिसमें लिक्विड होता है, जैसे आप लोगों ने इंजेक्शन के देखे होंगे सिंगल डोज वाले इंजेक्शंस के जो फील्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्यूल्स बोलते हैं, जिसमें सिंगल डोज फील्ड होता है, उसको फोड़ देते हैं
इंजेक्शन निकाल के लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं एम्प्यूल। जो वायल होता है, जैसे टिट बैक या टिटनेस का इंजेक्शन आप लोगों ने लगवाया होगा, तो एक छोटा सा वायल उसमें रहा होगा, तो उसके रबड़ कैप लगा रहा होगा, उसको हम वायल बोलते हैं। और सीरीन दैट इज सफिशियंटली ट्रांसपेरेंट टू परमिट दी विजुअल इंस्पेक्शन। क्या सफिशियंट, इतना ट्रांसपेरेंट हो कि अगर विजुअली इंस्पेक्शन हो, अगर उसको हम विजुअली देखें, आप दी कंटेंट, मतलब आप दी कंटेंट जो उसके अंदर कंटेंट है उसको विजुअली देख सकें। ग्लास कंटेनर मे बी डार्केन अंडर द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। क्या होना, ग्लास कंटेनर मे बी डार्केन अंडर द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ये बात हो गई किसकी, स्टोरेज कंडीशंस की। अभी और क्या पैरामीटर्स हैं वो देखेंगे। ये तीन पैरामीटर्स थे। द फॉलोइंग गाइडलाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द सेफ हैंडलिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दे आर बेस्ड ऑन द रिलेवेंट लेजिस्लेशन एंड ऑन द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या है ये, लेजिस्लेशन एंड ऑन द कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फॉर हैंडलिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज शुड कम्प्लाई विद द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। क्या क्या करेक्टरिस्टिक, रेडियो टॉक्सिसिटी मस्ट बी एज लो एज पॉसिबल। रेडियो टॉक्सिसिटी कितना हो, जितना हो सके उतना कम हो। शॉर्ट लिविंग आइसोटोप्स आर प्रीफर्ड टू लॉन्ग लिविंग वंस। जो शॉर्ट लिविंग आइसोटोप्स की जगह हम क्या प्रीफर्ड करें, लॉन्ग लिविंग आइसोटोप्स को, मतलब जिनकी हाफ लाइफ क्या हो, ज़्यादा हो, उसको हम प्रीफर करें। द अमाउंट यूज मस्ट बी केप्ट टू मिनिमम। क्या होना चाहिए, जो यूज करने का अमाउंट है वो कम से कम हम यूज करें।